किसान नेता राकेश टिकैत को रास्ते में पुलिस ने रोकने की कोशिश की। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रास्ते में पुलिस ने राकेश टिकैत को रोकने की कोशिश की। राकेश टिकैत अभी इस समय हाईवे पे हैं और वो लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। हाईवे पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी और यहाँ पे राकेश टिकैत किसान नेता को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थक जो किसान हैं वो चाहते हैं कि रोका नहीं जाए। देखिए आप बैरिकेडिंग को कैसे उल्टा दिया गया है, फेंक दिया गया है रोड से और नारे लगाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से कि जाने दिया जाए किसानों को, राकेश टिकैत को जाने दिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे निकल रही है राकेश टिकैत की। पुलिस की जो गाड़ी रोड पर लगी हुई थी वो किसान धक्का देकर के पुलिस की गाड़ी को रोड से हटा रहे ताकि रास्ता मिल सके और यहाँ से उसके नेता लखीमपुर खीरी तक जा सके जहाँ पे एक नरसंहार हुआ है। अभी तक जो पुष्टि हो पाई है 5 किसानों की वहाँ शहादत हो गई है, शहीद हो गए 5 किसान लखीमपुर खीरी में। आप देख सकते हैं कैसे किसान समर्थक जो कि राकेश टिकैत के हैं वो किस तरह से गाड़ियों को आगे जाने के लिए सलाह दे रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं और आग गाड़ियों को आगे बेच रहे हैं ताकि उनकी जो नेता की गाड़ी है वो निकल पाए। हालांकि पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की है लेकिन ये रोक नहीं पाए और किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ से निकल गए अपनी गाड़ी लेकर के। आप पुलिस बैरिकेडिंग उठाती हुई आपको भी वीडियो में दिख जाएगी। तकरीबन 4 बजे राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से 40 गाड़ियों का काफिला लेकर के निकले थे लखीमपुर खीरी के लिए। रास्ते में कुछ गाड़ियां और मिली है, तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 20 गाड़ियां रास्ते में और मिली है, यानी टोटल 60 गाड़ियों का काफिला था। ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है 60 है या 60 से ज़्यादा गाड़ियां हैं राकेश टिकैत के साथ। अनुमान लगाया जा रहा है कि राकेश टिकैत जी 1 से 2 बजे के बीच में लखीमपुर खीरी तक पहुँच जाएंगे और गुरनाम सिंह चटूनी भी अपनी जगह से निकल चुके हैं, उनका भी अनुमान है कि वो सुबह तक लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे।